हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सभी के साथ में लाई हूँ शेयर करने के लिए कोलकाता के फेमस रेस्टोरेंट और सलान की चाप घर पे कैसे बनाए उसकी रेसिपी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें जिससे कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो और आप ये बेहतरीन चाप घर पे इजीली बनाकर तैयार कर पाएँ। तो रेसिपी अच्छी लगेगी अगर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको कर दीजिएगा शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे तैयार किया है। इस डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाप की रेसिपी को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट्स वगैरह सब अच्छे से लिखी हुई हैं। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इस चिकन चाप में जाने वाले जो चीज़ें हैं वो बता देती हूँ, इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लहसुन ली है, पूरी लहसुन जिसकी कलियाँ मैंने अलग कर ली हैं और इसको मैंने अच्छे से छील लिया है और इस तरह से रखा हुआ है। इसके साथ ही हमें चाहिए होगी 5-6 हरी मिर्चें, 2 इंच का टुकड़ा हमें अदरक का चाहिए होगा, एक बड़ी प्याज लेनी है जिसको रफली स्लाइसेस में कट कर लेना है, और साथ में चाहिए होगी 50 ग्राम दही, और कप से मेजर करें तो ये आधा कप है, हाफ कप। और यहाँ पे हमें चाहिए होगा 1/4 कप दूध, यानी कि 1/4 कप हमें दूध लेना है जिसको मिक्स कर लेना है ऑरेंज फूड कलर के साथ में, और दूध में कलर मिक्स कर कर इस तरह से रख लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या किया है, जो मैंने आपको 3 मसाले बताए उनको ग्राइंड कर लिया मैंने और इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर कर रख लिया है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमें लेना है एक बड़ा मिक्सिंग बाउल, और उसमें सबसे पहले मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ दही। तो जो 50 ग्राम मैंने दही ली हुई है वो डाल दिया मैंने, और अब इसको मैं अच्छे से फेंट ले रही हूँ। तो दही बिल्कुल स्मूथ हो जानी चाहिए, इतने अच्छे से आप इसको फेंट लें। तो ये बहुत अच्छे से इस तरह की हो गई है, थोड़ी गाढ़ी दही चाहिए। अगर आपकी दही जो है वो गाढ़ी नहीं है तो आप उसको छन्नी या स्टिरर पे रख लीजिए और उसका सारा जो एक्सेस पानी निकलेगा वो हटा दीजिए, और ऊपर में जो छन्नी के रह जाएगा वो दही आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं 1 छोटे चम्मच केवड़ा वाटर, 1 छोटे चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रोज़ वाटर, क्योंकि ये रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाप बना रही हूँ मैं, तो ये बहुत ही अलग तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है बहुत ही डिफरेंट होता है, तभी ये बेहतरीन सी चाप बनती है जो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल घर पे मैं बनाना बता रही हूँ आप सभी को, तो ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ ज़रूर से डालें। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 ड्रॉप मुगलाई मीठा अदरक का, और बहुत अच्छे से मैं मिला दूँगी। तो यहाँ पे दही में ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से मिला दी हैं मैंने। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 छोटे चम्मच नमक, और वापस से मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। और अब इसमें हमें डालने हैं कुछ पाउडर स्पाइसेस, जिसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है, और इसके साथ ही 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और इन दोनों को भी मैं इस दही में बहुत अच्छे से मिला दे रही हूँ, और देखें जैसे ही हमने लाल मिर्च का पाउडर डाला है कलर बिल्कुल चेंज होना शुरू हो गया है। तो ये जो मसाला मिक्स हमारा बन रहा है दही के साथ में, इसको हमें लगातार अच्छे से मिला देना है, और जब ये मिल गई है तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ हमारा वो तैयार किया हुआ पेस्ट जो कि मैंने वीडियो के बिगनिंग में बताया है, और डालकर इसको भी अच्छे से मिला दूँगी। तो बिल्कुल परफेक्ट और ओरिजिनल रेसिपी है चिकन चाप की, तो इस तरह से आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब इसमें डलने वाला है एक स्पेशल सीक्रेट मसाला, तो वो क्या है मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये मसाला हमारा सारा डाल दे रही हूँ, ये है हमारा स्पेशल होममेड चाप का मसाला, और ये चाप का मसाला आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और ये चाप मसाला डालने के बाद में मैं इसको बहुत अच्छे से मिला दे रही हूँ, और ये चाप मसाला भी डालकर मैंने इसको बहुत अच्छे से मिला दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर 1 छोटे चम्मच, जिससे बहुत ही अच्छा बैलेंस आता है, तो ये शक्कर ज़रूर से डालते हैं वो लोग, तो यहाँ पे मैंने भी डाला है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर मेरी मेजरमेंट्स के साथ में ये चिकन चाप बनाकर आप तैयार करेंगे तो बहुत ही उम्दा और बेहतरीन सी चाप आप घर पर बनाकर तैयार कर पाएंगे, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। तो प्लीज़ एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब ये जो मसाला हमारा रेडी हो गया है, तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे हमारे चिकन के पीसेस, और उसमें मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ, कट मार्क लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे चाप के लिए हमें जो गोश्त लेना होता है वो थोड़ा बड़े पीसेस का लेना होता है, इसलिए मैं यहाँ पे कट मार्क्स लगा रही हूँ।
तो इस तरह से मैंने सारा चिकन इसमें डाल दिया है। मैंने बताया आपको कि 750 ग्राम मैंने चिकन लिया इसमें था कट मार्क्स लगाए और अब मैंने ये चाप के मसाले में इसमें डाल दिया है, और अब इसको हाथों से बहुत अच्छे से मिला रही हूँ जिससे ये जो मसाला है चिकन के अंदर अंदर तक चला जाए और लग जाए अच्छे से, अच्छे बेसिकली से हमारे कोट। चिकन पीसेस के ऊपर इन मसालों की अच्छी सी कोटिंग हो जाए और जो कट मार्क्स लगाया है उसमें अच्छे से रब करते हुए मसाला लगाएं। और इस तरह से मैं इन चिकन के पीसेस पे कट मार्क्स लगा दे रही हूँ और इसमें डालती जा रही हूँ। तो यहाँ पे चिकन मैंने लिया हुआ है 750 ग्राम, इतनी क्वांटिटी के लिए मैंने ये चिकन चाप का पूरा मसाला बनाकर तैयार किया और है। यहाँ और पे देखें चिकन पे बहुत अच्छी सी मसालों की कोटिंग सी हो गई है, तो अब मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ वो दूध जो कि मैंने कलर के साथ में मिक्स कर रखा था, वो इसमें डाल दूंगी और वापस से अच्छे से इसको मिला दूंगी। तो बस यहाँ पे चिकन पीसेस में मैंने सारे मसाले वगैरह सब अच्छे से लगा दिए हैं, और मसाले लगाकर अभी हमें इसको ढक कर रख देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट पे। तो जब कभी हम रेस्टोरेंट स्टाइल कुछ घर पे बना रहे होते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लेकर उसको बनाना होता है जिससे रेस्टोरेंट स्टाइल फील आए उस डिश में, इसीलिए ये स्टेप जो मैं आपको बता रही हूँ इसको मैरिनेट होने के लिए रखना है हमें। तो इसको आप जितने टाइम रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास में वक्त नहीं है तो आप इसको मिनिमम 1 आवर और मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स के ज़रूर लिए रखिए मैरिनेट होने के लिए। तो यहाँ पे अब मैंने कढ़ाई ली है जिसमें मैंने डाला है 4 बड़े चम्मच ऑयल, और इसके साथ ही मैं इसमें घी भी यूज़ कर रही हूँ, तो दोनों मिलाकर मैं बना रही हूँ जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये भी गर्म होने के लिए रख दिया मैंने, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा चिकन मसाले लगाकर जो मैंने साइड पे रख दिया था मैरिनेट होने के लिए कितने अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। मैंने 3 से 4 घंटे के लिए इसको रख दिया था रेस्ट होने के लिए। अब यहाँ पे ऑयल भी हमारी अच्छी गर्म हो गई है, तो अब क्या करना है कि आपने उस मसाले में से एक एक कर चिकन के पीसेस को उठाना है और इस ऑयल में इस तरह से स्प्रेड कर देना है। तो सारे पीसेस को बहुत अच्छे से इस तरह से लगा दीजिए, और अब आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे इसको इसी तरह से कुक होने देना है। तो एक साइड से जब ये कुक होंगी तो इनके ऊपर हल्का हल्का गोल्डन सा कलर आता जाएगा, तब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दोनों साइड से इसी तरह से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक साइड इनको चेंज कर दिया है, और इस तरह इस साइड से भी हमें इसको इसी तरह से गोल्डन कलर होने तक कुक कर लेना है। तो बेसिकली चिकन चाप बनाने का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमें चिकन को पहले फ्राई कर लेना है ऑयल में, उसके बाद में इसके ऊपर सेकंड स्टेप में जब दोनों साइड से हमने इसको हल्का फ्राई कर लिया है कलर आ गया है इनके ऊपर, तो अब मैं जो बचा हुआ सारा मसाला था इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दे रही हूँ। तो बिल्कुल भी वेस्ट ना करें क्योंकि ये मसाला बहुत ही फ्लेवरफुल है, तो इसको बहुत अच्छे से डाल दीजिए और डालकर स्पैटुला लगाकर हल्का सा स्टर दे दीजिए। तो अब फ्लेम को आपने यहाँ पे मीडियम ही रखना है क्योंकि इसमें दही वगैरह का पानी भी है। तो इस वेसल की लिड लगा दें आप और अच्छे से 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चिकन को कुक होने दीजिए। तकरीबन 5 मिनट हुए हैं, मैं बस आपको चेक कर कर दिखा रही हूँ। यहाँ पे लिड हटाया मैंने और देख सकते हैं आप थोड़ा सा वाटर रिलीज हुआ है, तो एक बार जेंटल स्टर जरूर दीजिए। तो यहाँ पे मैं इस तरह से हल्का हल्का फ्लिप कर दे रही हूँ क्योंकि हमें गोश्त को भी अच्छे से पकाना है। यह ऑलरेडी अच्छे से टेंडर हो चुके हैं लेकिन हमें मीडियम फ्लेम पे इसको मसाले के साथ में भी कुक करना है जिससे मसालों का सारा फ्लेवर इस चिकन के पीसेस के अंदर आ जाए। तो यकीन मानिए चिकन चाप को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपने चिकन को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मैरिनेट करना है, तभी आपका बेहतरीन और बेस्ट चिकन चाप बनकर घर पर तैयार होता है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब चिकन चाप घर पे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसको मसाले लगाकर ओवरनाइट भी रख सकते हैं, पहले ही सारे इंतजाम कर लीजिए, सारे प्रिपरेशन कर लीजिए और चिकन चाप को मसाले लगाकर रख दीजिए मैरिनेट होने के लिए, उसके बाद में इसको कुक कीजिए, फिर आप बेस्ट रिजल्ट पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 5 मिनट और मैंने इसको कुक किया है और वापस से मैं एक बार स्टर कर रही हूँ। अब यहाँ पे स्टेज पे देखिए थोड़ा सा मसाला लटपटा सा होने लगा है, ग्रेवी बाइंड होने लगी है और चिकन पीसेस वगैरह थोड़े टेंडर हो रहे हैं क्योंकि लेग पीस वगैरह से फ्लैश जो है अलग हो रही है, तो थोड़ा अभी और कसर बाकी है, इसलिए मीडियम फ्लेम ही रखें और मीडियम फ्लेम पे ही इसमें हमें इसको अच्छे से कुक करना है। एक बात का ख्याल रखें कि चिकन चाप बनाते टाइम जब ये कुकिंग प्रोसेस चल रही है ऊपर से आपने एक ड्रॉप पानी नहीं डालना है, ये अपने जूसेस और दही का पानी वगैरह में ही अच्छे से कुक होंगी चिकन। तो यहाँ पे हमारी बेहतरीन सी चिकन तैयार हो चुकी है, इसको मैंने बहुत अच्छे से कुक कर लिया है और इस चिकन चाप में थोड़ी ग्रेवी रहती है तो इतना ग्रेवी बहुत सही है। तो बस ये बिल्कुल तैयार है, फ्लेम को अब मैं ऑफ कर दे रही हूँ और झटपट फटाफट मैं इसको सर्व कर लूंगी। तो ये लीजिए हमारी डिलीशियस चिकन चाप घर पे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, खुशबुएं माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये चाप घर पर बनकर तैयार हुई है। आप टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है,
और टेस्ट तो मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई इस कीजिएगा। चिकन चाप को आप सर्व करें पराठे या नान के साथ में, और इसको बेस्ट तरीके से सर्व किया जाता है अरसलान की बिरयानी के साथ में, तो बहुत ही अच्छा पेयर है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो बिरयानी भी बना सकते हैं आप, तो कभी भी आपके यहाँ पे अगर हो रही है स्पेशल ओकेजन तो आप प्लीज ट्राई करें। और बिरयानी की रेसिपी जो है मैंने शेयर की हुई आप सभी के साथ में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो तो का, प्लीज़ और एक बार भी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ वो बिरयानी भी आपको अच्छी लगेगी। मैंने नानपुरी की रेसिपी आप सभी के साथ में शेयर की है, तो आप जब चिकन चाप बनाएं तो आप नानपुरी को बनाएं, उसके साथ में बहुत अच्छी लगती है खाने में। और मैं आप सभी के साथ में बहुत ही जल्द कोलकाता स्टाइल लच्छा पराठा की रेसिपी लाने वाली हूँ, जो कि वहाँ की फेमस है। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, और मेरी रेसिपीज़ अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अब इंतज़ार खत्म, अब देख लेते हैं कि हमने ये चिकन चाप का मसाला जो है कैसे प्रिपेयर किया है। तो ज़रूर देखिए वो मसाला, और उसको बनाकर आप इस चिकन चाप को बनाएं, तभी आपका चिकन चाप बेहतर बनकर तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मसाला देख लेते हैं। तो चिकन चाप का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो कि गरम मसाला है, उसमें देख लीजिए मैंने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पे जावित्री की फूल ली है मैंने, तकरीबन 2 फूल ली थी जिसको मैंने क्रश कर लिया है। सफ़ेद मिर्च ली है जिसको व्हाइट पेपरकॉर्न्स भी बोलते हैं, वो मैंने 15-20 लिए हुए हैं। जायफल यानी कि नटमेग लिया है मैंने, और शाही जीरा लिया है, दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 5-6 मैंने हरी इलायची ली हुई है, और यहाँ पे गुलाब की पंखुड़ियाँ ली हुई है मैंने 1 चम्मच। मेजरमेंट्स प्लीज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर तो ये लीजिएगा। मसाला देख लिया आपने, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे एक पैन गरम किया मैंने, फ्राइंग पैन को, और इसमें मैं हमारे मसाले डाल दे रही हूँ। तो खड़े मसालों में सारे मसाले नहीं डालें, गुलाब की पंखुड़ियाँ छोड़कर सारे मसाले डाल दीजिए, और इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इन मसालों को ड्राई रोस्ट करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही जल्द ये फ्लेवर रिलीज करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच खसखस यानी कि पोस्ता दाना, और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 10-12 काजू जिसको मैंने तोड़ लिया है। तो ये डाल दिया मैंने, और उसके ऊपर अब मैंने डाल दिया वो गुलाब की पंखुड़ियाँ, और बस फ्लेम को अब मैं ऑफ कर दे रही हूँ जैसे ही मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, क्योंकि पैन बहुत गर्म है, ये अपने आप ही इसमें अच्छे से भुन जाएंगे। और लगातार इसको मैं स्टर कर ले रही हूँ इस तरीके से, तो बस मसालों में अच्छी खुशबू आ जाए, करारापन आ जाए, इतना ही हमें ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो ये हो चुकी है, अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ प्लेट में, थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद में इसको ट्रांसफ़र कर लेना है आपने ग्राइंडिंग जार में, और इसको ग्राइंड कर इसका फाइन पाउडर बना लेना है। तो सारे मसाले को डाल दीजिए, तो बहुत ही बेहतरीन और यूनिक सा मसाला हमारा घर पे बनकर तैयार हो जाता है, जो कि स्पेशल चाप का मसाला है। और इसको आप अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, बिल्कुल फाइन, जितना आपसे ग्राइंड हो पा रहा है इस तरह का। तो देखिए मैंने कितना अच्छे से ग्राइंड कर लिया है इसे ना। तो बस इसको मैं निकाल कर साइड पे रख लेती हूँ, और इस मसाले को मैं हमारे चिकन चाप बनाने में यूज़ करूंगी। तो बस ये बेस्ट चिकन चाप मसाला बनाकर आप चिकन चाप को बनाएं, तब आप देखेंगे कि कितनी बेहतरीन चिकन चाप बनेगी। तो और ये जो मैंने चिकन चाप का मसाला बनाया है, ये मेरी मेजरमेंट्स जो मैंने क्वांटिटी ली है चिकन की उस हिसाब से बनाया है, 2 बड़े चम्मच होगा ये पूरा पूरा। तो बस इतना ही मैं पूरा यूज़ कर लूंगी हमारे चिकन चाप को बनाने के लिए। तो अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल चाप बना रहे हैं और उसमें ये चाप का मसाला ना जाए तो बिल्कुल अधूरा सा लगता है। तो इस तरह से चाप में अगर ये मसाला डालेंगे तो चाप का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कोलकाता रेस्टोरेंट स्टाइल अरसलान की चाप की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको कर दीजिएगा शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आप मुझे अपने फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अगर आपके पास में कोई भी हो रेसिपी रिक्वेस्ट तो मुझे आप कमेंट कर बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपकी रिक्वेस्ट जो है मैं जल्द से जल्द सुनूं उसको और उसको पूरा कर सकूं। तो ज़रूर ट्राई करें, तो रेसिपी को ट्राई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी मैं ऐसी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प रेसिपी के साथ में, तब तक अपना और अपने फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।